guys, welcome back to my channel. This is me, Ashima Saxena. And if you are new to this channel, you know what you have to do. तो जल्दी से जाके subscribe कर लो. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जो कि थी मेरी ज्वेलरी कलेक्शन, तो उसके बाद मैंने बोला था कि आप लोगों को मेकअप देखना है या नहीं देखना, तो आप लोगों ने बोला हाँ देखना है. तो वैसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो यही बनाने वाली थी कि मेकअप का, तो हम दिखाते हैं आपको कि क्या क्या है मेरे मेकअप में. सो स्टार्ट करते हैं. तो आप लोगों ने ड्रॉअर तो देख लिए कि कैसे मैंने क्या ऑर्गेनाइज करके रखा है. अब मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या चीज़ है, क्या क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो दिखाती हूं. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, एसेसरीज ये सब मैंने आपको बता दिया था. और एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैं रात को ही वीडियो शूट करती हूँ और इसमें ना अभी भी PM ही सेट हो रखा है. देखो ध्यान से, इसमें PM ही सेट हो रखा है. मतलब इसको सेट करना ना डिफ़िकल्ट होता, तो PM पे ही छोड़ रखा है मैंने. और लोग बोल रहे थे आप झूठ बोल रहे हो कि आप रात को वीडियो शूट नहीं करते. ये देखो, ये भी मैं और ये रही दोबारा घड़ी, मतलब जो भी टाइम हो रहा है. और मैं दिखा रही हूँ, मैं ये देख लो आप लोग, रात हो रही है. मतलब ऐसे मैं ये दिखाना नहीं चाहती थी कहाँ से कहाँ चली गई, बट मेरे को ना ऐसे गंदा लगता है कि मैं ऐसी हूँ. मैं ना अपने आप को बिल्कुल फेक शो नहीं करना चाहती हूँ आप लोगों के आगे, बिल्कुल रियल रहना चाहती हूँ. और ऐसी कुछ चीज़ नहीं करूँगी जिससे सिंपैथी लूँ या कुछ भी करूँ. तो पर मैंने जो बोला वो रियली था, वो रात का ही टाइम हो रहा था. और लोग जब ऐसे कमेंट करते हैं ना कि आप मतलब वो ले रहे हो फेक सिंपथी की, लोग ताकि कमेंट करें कि वो आप मेहनत करते हो रात को शूट करो, ऐसा मतलब मुझे गंदा लगा. तो मैंने सोचा क्लैरिफाई कर दूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, अभी भी रात हो रही है. सो ठीक है, वो नहीं करते कंट्रोवर्सी, वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो जो ड्रॉअर है उसके ऊपर सबसे पहली चीज़ आपको दिख रही होंगी वो है ये. इसमें मैंने बोला था मैं अपनी आई शेडो रखूँगी, तो ये रही मेरी आई शेडो पैलेट्स 1, 2, 3. और इसके अंदर और भी हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5. और ये मोबाइल वाली, ये मोबाइल है मेरा, टडा. तो इसको अच्छे से मैं बाद में दिखाऊंगी. ये रही, इसके अलावा ये रही मेरी मेकअप ड्रॉअर, टडा. और जो सबसे पहला, जैसे मैंने अपनी नीचे वाली ड्रॉअर में कर रखा था कार्डबोर्ड के सेक्शन, सेम इधर भी यही कर रखा है. तो जो सबसे पहला बॉक्स है इसके अंदर है मेरे फाउंडेशन, कंसीलर और प्राइमर, ये तीन चीज़ें हैं. सेकंड बॉक्स जो है इसके अंदर मैंने रखे है ब्लशर, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये ब्लशर. और इसके अंदर ब्लशर और हाइलाइटर है, तो ये रही मेरी सेकंड. इसके बाद ये रही थर्ड, इसके अंदर है सारे आईलाइनर्स, काजल और बस इतना ही, आईलाइनर और काजल. ये रहा मेरा फोर्थ बॉक्स, इसके अंदर है. और मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में तो ये था ना ये वाली ज्वेलरी, ये वाली. तो हाँ, इसमें के अंदर है मस्कारा और आईलैशेस, मेरे मस्कारा. नेक्स्ट बॉक्स जो है हमारा, इसमें लिपस्टिक्स जो सबकी फेवरेट होती हैं, तो ये भी लिपस्टिक्स. नेक्स्ट है मेरा स्किन केयर का, इसके अंदर है मॉइस्चराइज़र, लिप बाम और शीट मास्क. और ये कचरा सा दिख रहा होगा, कचरा भी नहीं है, एग्जैक्टली कचरा नहीं लग रहा. इसके अंदर है मेरे मेकअप फिक्सर, परफ्यूम्स और ये ब्लेंडर और हेयर बैंड. तो बस ये रही मेरी मेकअप ड्रॉअर. आप कहोगे बस ये रही, नहीं, अब मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि कौन से क्या क्या प्रोडक्ट है. सबसे पहली चीज़ जो कि है वो है आई शेडो, ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आई शेडो पैलेट्स. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी पैलेट से. तो सबसे छोटी पैलेट मेरे पास है ये, और इसके अंदर सारे ही जो है वो न्यूड शेड्स है जो आप डेली वेयर में यूज़ कर सकते हैं और पता भी नहीं लगेगा. उसके बाद ये रही मोबाइल पैलेट, लाइक हेलो, मस्त है, काफ़ी अच्छी क्यूट सी है. और मतलब किसी टीनेज लड़की को गिफ्ट भी कर सकते, काफ़ी क्यूट सी है. और मेरे को मेरी बहन ने गिफ्ट करी थी ये 1 साल पहले, हाँ शायद 1 साल पहले मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट करी थी. तो इसके अंदर ये रही आई शेडो, ये तीनों सेम उसकी है, SFR की ब्रांड की.
और तीनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे, तो मैंने तीनों ही चोरी कर ली। सबसे पहले है ये मेरी फेवरेट स्मोकी। इसके अंदर सारे ना ब्लैक ग्रे वाइट स्मोकी मेकअप जिनको अच्छे से करना आता हो, मैं तो स्ट्रगल ही कर रही हूँ अभी तक, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं, सारे शेड हैं। हाँ ये वाली मेरी फेवरेट है क्योंकि मैं इन दोनों में कन्फ्यूज़ होती हूँ, बेबी गॉट पीच। तो इसके अंदर है ऐसे ये पीच शेड, एकदम क्यूट मस्त से। और इसमें जो मेरा फेवरेट है ना वो है ये वाला, इसका जो वो है ना पार्टिकल्स, आप लोगों को ऐसे दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा ही मस्त है। मैं लगा के दिखाती हूँ ये कैसे लगता है, एकदम देख रहे हो शिमर भी नहीं है, एकदम अलग सा है, बहुत अच्छा है। ये वाली बहुत मस्त लगती है मुझे, वो है ऑरेंज। और इनमें ना शायद और भी आते, लाइक पिंक के लिए आते तो पिंक शेड है, पर्पल के लिए पर्पल, मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं अपनी बहन से पूछ के बता दूंगी। बहन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितनी भी पैलेट आपको दिख रही हैं वो सब मैंने अपनी बहन से ली है, उसके पेज से, जिसका नाम है मेकअप पैराडाइज, और ये रहा उसका पेज। तो आपको कोई सी भी पैलेट लेनी है उससे ले लेना सारी, और ऑलमोस्ट जितना भी सामान है वो सब उसके पेज के, तो आप स्क्रीनशॉट लेके पूछ सकते हो। सब तो नहीं पर हाँ मोस्टली लाइक 60% उसका, 40% अलग है। सो ये रही नेक्स्ट पैलेट, सेम उसी की तरह, मतलब इन दोनों में ये ऑरेंज के अलग शेड्स हैं जैसे मैंने बताया था, और ये भी बहुत ज़्यादा मस्त फेवरेट। और सबसे छोटी, मतलब इसका प्राइस भी बहुत कम है और इसमें कलर्स भी सारे हैं, तो ये मेरे लिए बेस्ट है, और मैं तोड़ भी चुकी हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो ये रही मेरी पैलेट, इसमें सब कुछ है, लाइक रेड ग्रीन येल्लो ब्लू पिंक, जो बेसिक शेड होते हैं ना, और अगर हम कोई बच्चा लेना चाहता है जिसको लगता है कि बड़ी बड़ी आई शेडो महंगी भी पड़ती है, और इसका प्राइस बहुत कम है, हिलेरी रोडा की है, शायद 250 की है या 220 की, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, या 300, इसका नाम है हिलेरी रोडा की है। तो बड़ी पैलेट में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी ये वाली SFR की है ये भी, और टडा क्या बोल रही हूँ, सब फेवरेट है, सब अच्छा लगता है मुझे। जो मेन चीज़ इसकी अच्छी लगती है, आपको दिख रही होंगी मैं यहाँ फ़ोन में ट्राइपॉड में, हाँ तो ये मेरे को, मैं देखो जो अच्छा लगता है मुझे इसका वो है, सबसे ज़्यादा बात करो तो ये इसकी कवर की, अलावा मेरी मोस्ट यूज्ड पैलेट अभी तक की, क्योंकि इसके ना एक ही शेड जो मैं ब्राउन से ऑरेंज से यूज़ करती हूँ ना वही इसमें बहुत है। तो ये रही मेरी फेवरेट, ये मेरे को मेरी बहन ने बर्थडे पर दी थी, और इसके अंदर सारे हैं, मतलब ये वाला शेड मैं बहुत यूज़ करती हूँ ऐसे ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, और न्यूट्रल कलर इसमें बहुत हैं, तो ये वाली मेरी फेवरेट है। सबसे ये आपको लग रहा होगा छोटी है, नहीं ये सबकी मम्मी है, दिखाती हूँ कैसे, ये देखो आपको लग रहा होगा एक है पर नहीं, इसके अंदर बहुत सारे हैं, जैसे कि देखो 1 ग्रीन के शेड, ऑरेंज के, जैसे मैंने वो SFR की स्टोरी करी है ना वैसे ही सेम ये है, उसको अलग अलग लेने की जगह आप ये भी ले सकते हो, ब्लू और लास्ट पर्पल, तो ये चारों इसमें ऐसे है, आउट मैं कैसे दिखाऊं, हाँ तो ये रही मेरी आई शेडो, बस इतनी थी। सो आई शेडो तो मैंने आप लोगों को दिखा दी, अब हम आते हैं अपनी ड्रॉर की तरफ। सो जो पहला बॉक्स है मेरा, इसके अंदर है सारे मतलब प्राइमर कंसीलर और फाउंडेशन जो कि हमारे बेस पे लगते हैं, तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या, स्टार्ट करते हैं प्राइमर से कौन कौन से, ये कुछ ऐसा दिख रहा है तो इसके अंदर है ये फिट मी का प्राइमर पहला, ठीक है बहुत बोलती हूँ मैं वीडियो में आई नो, तो ये पहला प्राइमर फिट मी का, दूसरा ये मॉइस्चराइज़र है और प्राइमर, पता नहीं इसमें प्राइम होता है या नहीं, मॉइस्चराइज़र ही लिखा है, मैं इतनी प्रो नहीं हूँ मेकअप में, तो अभी अभी मैं सोच रही हूँ कि रखूँ हर ब्रांड का ना कुछ, तो सेकंड है ये शुगर का, बस दो ही प्राइमर है मेरे पास, ठीक है। और भी है जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ ना वो वाले प्रोडक्ट नीचे रखे हैं, ये अच्छे वाले वीडियोज़ के लिए। तो इसके बाद बात करते हैं कंसीलर की, कंसीलर मेरे पास है दो, ये वाला मेबलिन का बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है। इसके बाद है ये हमारा, इसका नाम हट चुका है बट ये हिलेरी रोडा का HR का, बहुत अच्छा है मस्त।
और इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको मेकअप नहीं आता ना और आप अच्छे नहीं हो मेकअप में बिल्कुल मेरी तरह, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप लोग ना ऐसे ये इसको क्या बोलते हैं, पेनस्टिक फाउंडेशन बोलते हैं इनको, पेनस्टिक कंसीलर, ये यूज़ करा करो. क्यों? क्योंकि इनको यूज़ करना बहुत इजी होता है, वरना फाउंडेशन तो कहीं ज़्यादा कहीं कम लग जाते ना. इसको क्या है, अभी मैं यूज़ तो नहीं करके दिखा सकती, हाथ पे दिखाती हूँ. ये ऐसे करा सिंपल, ये देखो एकदम इसका तो टोन बहुत मस्त है, ये स्विस ब्यूटी का है. और ऐसे करके लगता है और इसको मतलब वो नहीं रहता, कई बार हमसे अच्छे से ब्लेंड नहीं होता ना. और दूसरा ये जो है ये मैट लुक का है, ये कंसीलर लिखा हुआ है तो इसको कंसीलर की तरह यूज़ करती हूँ मैं. थोड़ा सा लाइट शेड है ऐसे, ये मैं दिखा चुकी हूँ पहले ही, बीबी क्रीम जिंदाबाद. अब बात करते हैं फाउंडेशन की. तो फाउंडेशन मेरे पास है अभी ये फिटमी का शुगर का, इसका एक साइड ना ऐसे ब्रश है अच्छा सा, मस्त है ये वाला, ट्राई कर सकते हो आप. और दूसरी साइड ये ये फाउंडेशन स्टिक, और ये इसके बाद है लॉरियल का फाउंडेशन, दिख रहा होगा आपको, रिंग लाइट की ही रोशनी आ जा रही है तो आई एम सॉरी. और इसकी हालत कुछ ख़राब है, ये बहुत अच्छा है पर इस बार ही ना शायद ये मेरा शेड नहीं है. लास्ट फाउंडेशन है ये, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना महंगा कुछ लिया होगा मेकअप में, ये वाला एस्टी लॉडर का. और पर ना बोलते हैं ना महंगा होता है, ट्राई करने का मन भी होता है, तो ये महंगा है पर इसकी जो मतलब बात है ना वो है, मस्त है, मतलब कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो बस मतलब बस नहीं, तो ये थे मेरे फाउंडेशन, कंसीलर और प्राइमर, रख लेते हैं. सो इसके बाद जो मेरी सेकेंड बॉक्स है वो है ब्लशर, हाइलाइटर और कम्पैक्ट का. इसमें ये तीनों चीज़ें हैं, तो यहाँ टिप्पा अब दिखाते हैं आप लोगों को, ऐसे ऐसे पकड़ के नहीं ऐसे दिखाते हैं. तो सबसे पहले जो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया वो है, सबसे अच्छा है वो है ये दो मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ और दोनों बहुत अच्छे हैं. ये है हिलेरी रोडा का और ये सिर्फ 100 रुपये का है, और सबसे बेस्ट है ये मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ. मच्छर रीटेक. सो मैं इसकी बात कर रही थी, इसका शेड ना बहुत ज़्यादा अच्छा है. क्यों? क्योंकि ना ये पिंकिश है थोड़ा, ये देखो अभी भी अगर मैं लगा के दिखाऊँ सिर्फ नोज़ पे, देखो वैसे तो आ गया बिल्कुल. सबसे बेस्ट है ये, इतने कम प्राइस में कुछ नहीं मिलेगा. उसके बाद ये है मेरे पास स्विस ब्यूटी का, और ये देखो आपको लग रहा होगा मैं खा चुकी हूँ, तो अब बिल्कुल ठीक है, मतलब ये मैं घिस चुकी हूँ. सबसे बेस्ट है डेली वेयर के लिए भी और वैसे भी, मतलब हमने तो वेडिंग में भी इसको यूज़ किया तो बहुत मस्त है. हाइलाइटर की बात कर रहे हैं तो ये वाला मैं अभी झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अभी अभी रिसेंट में ही लाई हूँ. उपसी मास्टर क्रोम का, मेबलिन का, मैंने बहुत सुना है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, हर कोई यूज़ कर रहा है, तो मैंने बोला मैं भी ट्राई करूँगी तो मैं ले आई. तो और सच्ची में इसका ना वो बोलते हैं क्या क्या बोलती पब्लिक, जैसे लगाया हल्का सा ही लगाओ ना, बहुत क्या बोलूँ मैं, कैसे एक्सप्लेन करूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है. मतलब लगाते हैं ना दिखता है, ये वैसा है कि एक बोली और ये दिख रहा है, ऐसा टाइप का ये. सो ये भी, ये तीन नहीं एक और है मेरे पास, ये हाइलाइटर है. उसके अलावा मेरे पास है ये शुगर की, इसमें ब्लशर है ये रहा, और ये हाइलाइटर और ये ब्रॉन्जर, ये तीन चीज़ें हैं. ये भी सब लोग ले रहे थे, मैंने लगा मैं भी लूँगी अच्छा होगा और ये अच्छा है तो ये लिया मैंने. इसके अलावा उस एक ब्लशर और बचा है, ये क्यूट सा, और इसका शेड बहुत अच्छा है, पीच है एकदम. मैं अपना हैंड पे यूज़ करके देखती हूँ, अभी फेस पे मैंने सब कर रखा है, ये देखो नहीं आया, ये देखो एकदम प्यारा सा पिंकू सा, पिंकू हाँ पिंकिश पिंकू शेड है और अच्छा है काफ़ी. तो ये है. इसके अलावा ब्लशर की बाजार है मेरे पास. दोबारा से मैंने बताया आपको मेरे पास ब्लशर का बाजार है, तो ये रहा मेरा ब्लशर का बाजार. मतलब इसके बाद ना और कुछ चाहिए ही नहीं, हर शेड का ये 5
पांच ब्लशर है और ये अच्छा है, ये मैंने ये वाला अभी भी लगा रखा है, इसमें से मैंने ये वाला शेड लगाया अभी, ऑरेंज ऑरेंज सा ये वाला, और इसमें हर कलर है, और इसका ना वो अच्छा है क्या बोलते हैं पिगमेंटेशन मस्त है। ये है मेरे पास एक और है ट्यूब वाला, वो आपको दिखने को मिलेगा मेरी ये वाली वीडियो में जिसका टाइटल है ड्रेसिंग अप एज बारबी। हाँ इस वाली वीडियो में आप लोगों को दिख जाएगा, वो ट्यूब वाला है, वो भी मैं डेली में यूज़ करती हूँ, तो डेली वाला सामान नीचे है तो वो भी बहुत मस्त है। अब बात करते हैं कम्पैक्ट की, तो कम्पैक्ट मेरे पास है अभी फिटमी का ये, इसके अलावा मेरे पास है ये नायका का कम्पैक्ट, इसका शेड ना मेरे एकदम परफेक्ट जा रहा था मेरे स्किन टोन से बिल्कुल सेम, तो ये वाला, और इसका शेड है रोज बीच। बस लूज पाउडर है इसकी डिब्बी, सॉरी इसके उससे इसको जज मत करना, ये लूज पाउडर है, और लूज पाउडर मेकअप को बोलते ना फिनिशिंग टच के लिए होता है, मेरे को यूज़ करना नहीं आता अभी कुछ भी, पर मैंने लेके रखा है, मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और आप लोगों को भी करना चाहिए। आप लोगों को दिखा धुआ है ना, देखो ऐसे निकलते हैं इसमें से, पैक करते हैं। गाइस मेरा थर्ड बॉक्स जो है वो है आई के लिए, मतलब आई शेडोज नहीं है, ये है आई लाइनर और काजल। तो ये रहा मेरा सबसे फेवरेट वाला दिखाती पहले, जो कि है लैक्मे का सबसे बेस्ट, कभी ख़त्म नहीं होता है, पता नहीं क्यों नहीं होता है, खो जाएगा पर ख़त्म नहीं होगा। इनसाइट का ये भी बहुत अच्छा है, यू कैन ट्राई। और इसके बाद है ये आईब्रो और जेल लाइनर, तो इसमें ये है क्या बोलते हैं आईब्रो पाउडर, और सेकंड है ये ऐसे खुलेगा, ये है जेल लाइनर, साथ में ऐसा ब्रश मिलेगा ये आईब्रोज के लिए और इस साइड से लाइनर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है चुप। नेक्स्ट है मेरे पास ये शुगर का, मेरे पास काजल अभी तीन है, लैक में और ये वाइट काजल, ठीक है तीनों आई का ही था। देखो गाइस हमारा नेक्स्ट डिब्बा है मस्कारा का, ठीक है मस्कारा से पहले ये दो आई लैशेस है, ये नायका से ही लिए मैंने, मैं लगाती नहीं हूँ, मैंने ले रखी है, बट कभी कभी लगता है हैवी मेकअप क्रिएट करना चाहिए कुछ, या वेडिंग में जाना है तो लगानी चाहिए, तो इससे अच्छा लुक आता है। एक का नाम है OTT, बिग बॉस OTT, हर बात पे बिग बॉस, ठीक है OTT ड्रामा मेजर लेंथ, तो ये दो हैं मेरे पास। अब दिखाती मैं आपको मस्कारा, सबसे पहले जो डेली वेयर में यूज़ करती हूँ वो, वैसे वो एक नीचे ही है मेबलिन का, पिंक कलर का है कर्ल अप वाला, उसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ ये इनसाइड, जैसे मुझे घर के पास जाना होता है, कहीं पे भी दूर नहीं जाना, कहीं फोटोस लेने जाना या कहीं पे नहीं जाना, तो ये वाला इनसाइड का मस्कारा, ये ब्यूटी ग्लेस्ट का, ये बहुत अच्छा है, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी है सच में। इसका मस्कारा है इस साइड, हमारे पास स्केच दो जा, और दूसरी साइड है ये स्केच लाइन है, देखो कटी ढंग से लगाती हूँ, तो ये रहा 2-in-1। और इसके अलावा मेरे पास है ये क्लॉसियल का मेबिलिन, ये भी बढ़िया है, मैचिंग भी हो रहा है, ये शुगर का, और ये मैंने अभी मतलब लिया, अभी ट्राई किया, अच्छा है दिखने में, मिनी है, किसी के साथ में मतलब ऑफर में आया था ऐसे छोटू सा, पर ये दिखने में लग रहा है छोटा सा पर है ज़ोरदार काफ़ी, मतलब देखो अभी भी यही लगाया था मैंने, हाँ यही लगाया हुआ है, देखो जाओ कैमरे में। अब बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे फेवरेट की, और फेवरेट नहीं, फेवरेट हाँ कह भी सकते हो, मतलब ऐसा कुछ फेवरेट नहीं है, सब मतलब मेरा पर्पसली यूज़ होता है कि बाहर जाना है अब आसपास तो ये यूज़ होएगा, शादी में जाना है तो ये यूज़ होगा, तो उस हिसाब से ये मैंने लिए हैं टू फेस्ड के डैम गर्ल, ठीक है, और दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मस्त है, इस वाले की ज़्यादा अच्छी है छोटे वाले की, इसकी एक कोट में ही काम हो जाता है, इसकी ज़्यादा कोटिंग करनी पड़ती है, बस मस्कारा मेरे पास इतने ही है, एक्ट करो मेरे साथ आइए।
गाइस ये रही मेरी नेक्स्ट चीज जो की है लिपस्टिक। तो इसमें बहुत सारी है, देख लो। मैं लिपस्टिक इतनी नहीं लगाती, मैं एक ही लगाती हूँ और वो घिसती रहती है और ख़त्म कर देती हूँ या उसको खो देती हूँ। तो अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरी फेवरेट वैसे दो हैं, अभी वो दोनों खो रखी हैं तो मैं नहीं दिखा सकती, बट वो इस कंपनी की है, स्विस ब्यूटी की, इसी बॉडी की, और उसका नाम है पीचिस एंड क्रीम। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, मतलब मस्त है वो। उसके अलावा मेरी जो फेवरेट है वो है स्विस ब्यूटी की कौन सा था, पेरिस फैशन। और उसकी बॉडी पता है कैसी होती है, नहीं है इसमें, मेरा सब खो रखा होता है, मैं कह तो रही, पर फिर भी मैंने यहाँ पे रखा है, जब वो मिलेंगी तो मैं डाल दूँगी, मैं बार बार ऐसे न्यू नहीं लेती। उसके अलावा मेरे पास है ये देखो प्यारा सा लॉलीपॉप, जो कि लॉलीपॉप नहीं है, लिपस्टिक है। मेरे को ऐसी क्यूट क्यूट चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखो, और ये लिप टिंट है, देखो देखो लिप टिंट ही है, हर्ट बना हुआ छोटू सा, इसको ऐसे खोलो खोलो। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ ना, वो मोस्टली मेरी बहन से लिए हुए हैं, मेरी बहन के पेज से। तो अगर आपको लेने हो, इंटरेस्टेड हो, तो ये भी, मतलब ये लॉलीपॉप वगैरह ये सब आप ले सकते हो उसके पेज से, उसका पेज ये रहा। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, उस लिंक पे आप जाके ले सकते हैं स्विस ब्यूटी की, ये बहुत अच्छी है। और इसमें ऐसे मैग्नेट भी है, ये कोई ऐसे ब्रांड तो नहीं है, मैंने पर लगाई है, अच्छी है, ये लगा रखी है। इसके अलावा ये मेबलिन की, इसका भी ऑलमोस्ट सेम शेड है। मैं कह रही हूँ ना, मैं सारे यही ऐसे ही कलर लेती हूँ, बाकी रेड वगैरह मैंने रखी हुई है कभी अगर मन करे तो। बाकी ये रही लिपस्टिक, मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊँ, ऐसे कोई ब्रांड नहीं है, मतलब लोकल भी नहीं है ये शादी, ये बहुत अच्छी है, ये आप यूज़ कर सकते। लाइक आप शादी वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, खा रहे हो कुछ तो लिपस्टिक हट जाती है। ये मैंने और मेरी बहन ने दोनों ने यूज़ करी थी, हम शादी में गए थे और हमारी लिपस्टिक कहीं नहीं हटी, हल्की सी लाइट हो गई थी, अब ऑब्वियसली 10-12 घंटे तक चल जाए, पर इसका स्टे सच में बहुत अच्छा है। ये स्विस ब्यूटी की है, इसका नाम है नॉन ट्रांसफ़र वाटर प्रूफ लिपस्टिक, और सीरियसली ये वाटर प्रूफ है। मैं यहाँ पानी लेके नहीं बैठी, वरना मैं आप लोगों को दिखाती, ठीक है। इसका शेड है 402 लाउड पिंक। ऐसा बल्ब भी है जो कि बल्ब नहीं है, ये भी लिपस्टिक है। लास्ट चीज़ ये लिप ग्लॉस, ये रहा नायका का, टेढ़ी हो गई, ये मेटालिक्स है बहुत। तो बस इतनी ही लिपस्टिक थी, और जो इम्पोर्टेंट थी वो खो रखी है मैंने। सो गाइज ये रहा मेरा लास्ट बॉक्स, और ये बॉक्स है एक तरीके से स्किन केयर का बॉक्स, तो मैं दिखाती हूँ इसमें क्या है। सबसे पहले तो ये मैं हर थोड़ी देर में लगाती रहती हूँ, ये है हिलेरी रोडा का लिप बाम, और इसमें कलर आता है, और देखो कितना प्यारा सा है, ट्रांसपेरेंट है, मेरा फेवरेट है। उसके अलावा स्किन केयर की बात करिए तो स्किन में लिप भी आते हैं ना, नहीं आते हैं, बट हाँ ये मेरे पास दो लिप बाम है जो कि है नायका के। इसमें से हैप्पीडेंट की खुशबू आ रही है क्योंकि ये मिंट फ्लेवर है। और इसके अलावा है मेरे पास ये दो क्रीम मॉइस्चराइज़र, एक नीविया की और एक पॉन्ड्स की, ये वाली बेस्ट है, मैं रिकमेंड करूँगी। उसके अलावा हमारे पास हैं बहुत सारे, सच्चे में बहुत सारे, कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि ना ऑफर चल रहे होते हैं। क्या ऑफर है उसमें, मतलब बाय वन गेट वन फ्री है, और आपको मिनिमम 10 लेने होंगे, तो मतलब 10 का प्राइस 5 में पड़ जाएगा, समझ रहे हो ना आप लोग, 5 के साथ 5 और फ्री है, ये लगा लो, और कम से कम 5 लेंगे तो ऐसे 10-10 करके मैं जब जाती हूँ ना उठा के ले आती हूँ, तो इसलिए बहुत सारे, और हर किसी के 2 दिखेंगे इसलिए। तो हाँ ये रहा, बॉक्सेस तो ख़त्म हो गया, पर फिर भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी मेरे पास, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये दो मेकअप फिक्सर, दोनों ही ख़त्म होने वाले हैं, न्यू लेने की ज़रूरत है, पहला इनसाइट का, दूसरा लॉरियल का, मस्त है। इसके अलावा मेरे पास है ये मेकअप रिमूवर, और ये फॉर्म वाला है, अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये मेरा हाथ, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे, और ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है।
इसके अलावा मेरे पास है ये, इसको मेकअप करते टाइम पहनो ताकि बाल आपके मुंह पे ना है। चार परफ्यूम जो कि नायका के है, और इसमें से जो बेस्ट है वो ये वाला है एक्सो एक्सो, इसका नाम है मोई। तो बस इतना ही था, अभी ये रख देती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो गाइज यही था मेरा मेकअप, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और ये भी बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा मेकअप कलेक्शन। और मुझे बताना अगर आप लोगों को कुछ भी देखने का मन हो, मतलब ये कहाँ से लिए ये कहाँ से लिए जो भी हो मेरे को बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उस पर। और मैं क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं यही कह रही हूँ 100K सून होने वाले हैं, तो प्लीज़ 100K जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी वीडियोस को शेयर करा करो, लाइक करा करो, और सच्ची में कमेंट एक छोड़ दिया करो आपको वीडियो कैसी लगी, चाहे वो लगता है आपको कि मैं और बेटर कर सकती हूँ तो उसके बारे में भी ओपिनियन छोड़ा करो। बस ऐसे हेट कमेंट नहीं, मतलब नॉर्मली बोल दिया करो कि आपका ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप और अच्छा कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं हर किसी को गाली देके या कैसे करके ही बोले। और मैं क्या कहना चाहूँगी, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय। नहीं बाय बाय नहीं, आप लोगों को ऐसे सुनना अच्छा लगता है, बाय बाय, तो बाय बाय।